अब मान ले पर साल के महुआ के रेट उतार दें तो हमारे बिल्कुल कोनो मेर के नहीं ला भाई, है अब महुआ के रेट नहीं चढ़े तो हमारा पचन के कौन वैल्यू है, जौनों में लाभ मिले वाला है तौन तो मिलते नहीं है। पहले महुआ के रेट क्या था? महुआ 50-60 चले है। आप क्या रेट है? 30 के साल हम 30 आज 15 रुपए काला हो गया जो और 25 रुपए हाँ। तो ये सरकार खरीदती है महुआ? अब सरकार अरे जंगल विभाग तो 35 रुपया 35 रुपया हाँ पर साल। अब आए नहीं आए, जैसे कल हम कुछ क्षेत्रों में और बात कर रहे थे तो महुए के रेट के बारे में यही बताया गया कि 35 रुपया जो है तो महुए का रेट था, लेकिन उसके बावजूद जो है तो ये 35 रुपए में भी लगभग एक तिहाई महुआ ही बिका है, आधे से ज्यादा महुआ लोग बेच तो बहुत, महुआ में बहुत घाटा हुआ इस साल। मान लीजिए 40-45 का महुआ खरीदी 20 रुपया बेचे हैं महुआ सरकारी रेट पे, सरकारी नहीं व्यापारी रूज में, और 35 रुपए में जो जंगल विभाग लिए थे आज तक उसका पैसा नहीं किसान पाए पिछले साल का। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? अब सर शासन की लापरवाही है, और इस क्षेत्र में महुआ एक जो है तो लोगों के जीवन यापन का महत्वपूर्ण, हाँ महुआ के बहुत सहारा है, महुआ उत्पत्ति, महुआ से शादी हो जाती है, एक किसान कम से कम 30,000-40,000 का महुआ बीनता है हर साल। और जब 15 रुपया महुआ बेचेगा तो वो जहाँ 45 रुपये में बिकता था तो 10 क्विंटल महुआ 45,000, और आज 15 रुपया बिक रहा तो 15,000 का हुआ, कितना जनता की घाटा हुई है बताइए इस किसान की। तो पहले ये व्यापारी ही खरीदते थे? हाँ व्यापारी, और अब जो है तो ये जंगल विभाग खरीदने, जंगल विभाग 5-10 किलो लेता है, ज्यादा नहीं लेता है, और वो पीटा हुआ महुआ लेता है वहाँ, एकदम सफा महुआ एक नंबर का, और इस साल इतनी बारिश हुई है कि महुए का कोई कलर नहीं है, अच्छा महुआ है ये नहीं है। तो कीमत और व्यापारियों के द्वारा घटा दी गई होगी, तो ये रेट जो घटा है तो जब से सरकार खरीदने लगी, जब से जंगल विभाग खरीदने लगा, इसकी वजह से पर साल से बिल्कुल डाउन है रेट, अब महीनों तक डाउन है, अब क्या बताए हैं। जंगल विभाग माने कही दी इसके हम खरीदेंगे, खरीदे के चक्कर में वही को पीट पीट के रखे हैं महुआ, आजो तक रखे हैं पर साल के महुआ, आसो तक है वह है हाँ हमहू पास है, हमारा एक क्विंटल महुआ सड़ रहा है तो ये जो दाम का नहीं है। पुराना जो महुआ होता है उसका रेट ज्यादा होते हैं, जो नया महुआ होता महुआ है नया महुआ हाँ। अब पहले जैसे व्यापारी खरीदते रहे तो रेट आप लोग बता रहे हैं ज्यादा है, तो जब ये जंगल विभाग ने रेट तय कर दिया जैसे 35 रुपए आप लोग बता रहे हैं, तो 35 रुपए हो गए, इसकी वजह से व्यापारियों ने भी रेट घटा दिया भाई बाहर निगरानी नहीं देता, बाहर माल नहीं जा रहा है, जो व्यापारी हैं 10 क्विंटल रख लिए उनका माल ही नहीं बिका है तो कहां से आप खरीदेंगे, क्या अवैध हो जाता है? हाँ बाहर के लिए जो लाइसेंसधारी है वो भी खरीद सकते हैं, सब नहीं खरीद सकते हैं। तो जब जंगल विभाग नहीं खरीदता है, जब व्यापारी ने व्यापारियों को ये अधिकार कह दिया गया कि मतलब आप जब तक लाइसेंस नहीं लेंगे तब तक आप महुआ नहीं खरीद सकते हैं या बेच नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसे में तो किसान को ही सीधा नुकसान होता है। अभी कोई व्यवस्था नहीं बनाया है सरकार, अभी कल मैं मुंशी जी से पूछा कि क्या आदेश आया महुआ खरीदने का, तक बोले कि नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आप लोग क्या मानते हैं कि मतलब सरकार खरीदे या फिर व्यापारी जैसे पहले हर साल चलता था, पिछले साल 2 साल पहले खरीदारी उसी तरीका खरीदारी होना चाहिए, जैसे आज 2-3-4 साल पहले खरीदारी हो रही थी उसी तरीका खरीदारी होना चाहिए, तभी जनता को फायदा मिलेगा, और सरकार खरीदेगा आज खरीदे उनको शादी करना है महुआ बेच दिए, और शासन 6 महीना बाद पैसा देता है, साल भर बाद देता है, तो वहाँ किसान का काम कहाँ से चलेगा। तो रेट का भी निर्धारण सही होना चाहिए और जो तो तय समय पर जो है तो भुगतान भी होना चाहिए।